बार एसोसिएशन अबोर के अध्यक्ष एडवोकेट अमनदीप तालीवाल व सचिव एडवोकेट आनंद गुप्ता के नेतृत्व में समूह सदस्यों ने नई आबादी स्थित फाइनेंसर बलजिंदर सिंह संधू के 12 वर्षीय मासूम बेटे अरमान संधू का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाले गिरफ्तार हो चुके दोनों आरोपियों के मुकदमे न लड़ने की घोषणा की है। आज दोपहर तहसील परिसर में स्थित बार रूम में आयोजित बैठक दौरान बार एसोसिएशन के सदस्यों ने सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव पास करते हुए अमानवीय हरकत करने वाले युवकों को कठोर सजा दिलवाने का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि पुलिस शीघ्र उक्त आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कर उसे के अनुसार सजा दिलवाई जाए और जो पहले पुलिस प्रशासन की ओर से लापरवाही हुई है उसकी वकीलों द्वारा निंदा भी की गई और कहा कि यदि अब लापरवाही हुई तो संघर्ष भी करेंगे। उधर इस दौरान पुलिस द्वारा उक्त मामले के दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। बताया जाता है कि अदालत की ओर से 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। आइए सुनते हैं वकीलों द्वारा बैठक दौरान क्या फैसला किया गया है। देखते रहे पंजाब वाणी न्यूज चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी कॉमन मीटिंग की थी आपकी बार दी सारे मेंबर्स खड़े हैं। ये जेडी करना है बहुत ही माड़ी है सोसाइटी वास्ते भी और शहर वास्ते भी और ये कंडेम्ड करते हैं कि सारे जेडे सिस्टम दी फेलियर होया जिदे करके होया कि अगे फ्यूचर दे विच इस तरह का कोई भी चीज़ ना हो। और असी सारे बार ने फैसला किया कि दोषियों का अबोर बार दे विचों कोई वकील नहीं होगा। असं कहना चाहते हैं उस बच्चे दे नाल जिहड़ी क्रूअल जोक होया जिहड़ी ज्यादती हुई है धक्का होया जिहड़ा उहदे नाल उहदे परिवार परेशान है सारा सारा शहर परेशान है सारा प्रशासन जिला प्रशासन सारा उहदे मतलब जिहड़ा है दुखी है इस गल तों। और पुलिस प्रशासन नूं इह कहा जांदा है साडी बार वल्लों कि इहदी जल्दी तों जल्दी कार्रवाई करके दोषियों नूं जिहड़ा है कानून दे मुताबिक सज़ा दवावे ते सारे शहर नूं पता लगे भी वाकई जिहड़ी पुलिस है विजिलेंट है। और जिहड़ी पहले लापरवाही हुई है पुलिस प्रशासन वल्लों असीं उहदी घोर निंदा करने हैं। अगर होर लापरवाही हुई तां असीं होर असीं प्रोटेस्ट भी करांगे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है और अबोर शहर ऐसा नहीं था जहाँ ऐसे कांड होने लग गए अब जैसे यूपी बिहार की तरह। और पुलिस से भी हम यही कहना चाहेंगे कि जो करे जल्दी से करे जो हो उस बच्चे के माता पिता को और सबको न्याय मिलना चाहिए। जो हुआ है बहुत ही निंदनीय है बहुत ही माड़ी घटना हुई है। लेकिन मैं पंजाब सरकार से गुहार करना चाहता हूँ कि यहाँ के पुलिस सारे पुलिस प्रशासन को बदलना चाहिए और जो सही तत्परता से अपना कर्तव्य निर्वहन कर सके ऐसे पुलिस अफसरों को यहाँ लगाना चाहिए। और फेलियर है जो उनकी उसको 36 दिन हो गए किसी की माँ का लाल जो 36 दिन तक गायब था। कमाल होगी हमारी पुलिस को 36 दिन उसके बाद में वो बता रहे हैं कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। ये सेशन कोर्ट अपनी फाइल का प्रधान जी अगर उधरों कोई वकील पेश होता फिर जी जी मैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करूंगा बेनती करूंगा कि अज हबोर दे विच होया कल नूं फाजिलका जे कितें होर भी हो सकता है तो इस करके सारे नूं बेनती करूंगा कि किसी नूं कौंसल नहीं होना चाहिए एटलीस्ट सोसाइटी दे वेलफेयर वास्ते।